हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस काफ़ी लेट हो गई ये वीडियो, क्योंकि गाइस टूर्नामेंट जो हुआ था हमारा वो 1 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, जो कि काफ़ी देर बाद आया है। एंड जो मुझे अभी तक रिवॉर्ड नहीं मिले थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। फिर बीच में त्यौहार आ गया था गाइस, छठ पूजा। कौन कौन मनाता मुझे कॉमेंट कर देना। तो छठ पूजा के बाद फिर मैं फ्री हुआ हूँ, थोड़ा बिजी था। फिर उसके बाद गाइस मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे मिला है 90 दिन के लिए इमोट, फिर ये अवतार मिला है, बैग मिला और 5 वाउचर मिले हैं, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं कि जो हैक लगा के यूज़ कर रहे थे टूर्नामेंट में, खेल रहे थे हैक लगा के, क्या वो बैन हुए हैं कि नहीं। तो चलो गाइस ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कितनी स्क्वाड बैन हुई है और कितने लोग हैक लगा खेले थे, वो ही बता दूंगा मैं, ठीक है। एंड उससे पहले गाइस मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप जसवंत फ्री फायर को जानते हो, जसवंत भाई को, तो उन्होंने एक वीडियो में बोला, 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाली है जो मैं आपको थंबनेल दिखा देता हूँ, ये वाला। इन्होंने इसमें एक बात बोली है कि टॉप अप मत करो। बिल्कुल सही बात है, एकदम टॉप अप मत करो यार। अगर आप टॉप अप करते हो तो कहीं ना कहीं यार फ्री फायर ना काम नहीं करेगा हमारे लिए। अगर आप टॉप अप कर रहे हो तो उसको पैसा मिल रहा है, फिर वो ध्यान नहीं देगा, गेमर्स पे ध्यान नहीं देगा, समझ रहे हो बात को। तो टॉप अप मत करो, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ जसवंत भाई की। लेकिन गाइस जसवंत भाई की दूसरी बात जो जसवंत भाई ने बोली है कि वो किसी को बैन नहीं किया, तो वहाँ पे वो गलत है जसवंत भाई। बैन हुए हैं जसवंत भाई, आप भी वीडियो देख लेना मेरी, अगर आप देख रहे हो तो पूरा देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कौन कौन बैन हुआ है। एंड गाइस बात कर लेते हैं, टॉप 1 पर जो बैठी थी स्क्वाड इवो आइकॉनिक, गाइस ये इसके डिस्क्वालीफाई है, ठीक है। टीम, इसकी जो टीम है डिस्क्वालीफाई है टूर्नामेंट से, अगर आपने चेक किया होगा तो। TLSR में टॉप पे बैठी पड़ी है, इससे पहले जो टॉप पे था वो था इवो आइकॉनिक, जो कि डिस्क्वालीफाई हो चुकी है और वो हट चुकी है, बैन हुआ है उनका, हैकर बैन हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नीचे, देखो डाउन में TLSR में जो सेकंड बारी वो फर्स्ट पे आ गई है, फिर सेकंड पे हमारा समोसा आर्मी। एंड समोसा आर्मी के भाई इनको रिवॉर्ड मिला है, ठीक है, इनको पूरे 30,000 डायमंड मिले हैं समोसा आर्मी को, ठीक है, रिवॉर्ड में। और TLSR में को भी मिल चुके हैं 50,000 डायमंड, लेकिन उनका मेरे पास अभी तक कोई पिक नहीं आया, बट इन दोनों का आया है। एंड और अभी देख लेते हैं थर्ड जो जना है, थर्ड पे कौन है, डेडली ये SP है, इनको भी रिवॉर्ड मिल चुका है। इनको जो रिवॉर्ड में मिला है गाइज 10,000 डायमंड मिले इनको। एक और बात बतानी है यहाँ पे, एक वीडियो में जसवंत भाई ने एक और वीडियो दिखाई है, जिसमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें हैक सेलर करके, क्या कहते हैं, हैक सेलर करके, उसमें एक इंस्टाग्राम में वीडियो पड़ी हुई है कि हैक सेल, जबकि ऐसा हुआ है कि जो हैकर है ना, उस हैकर ने उस फोटो को अपने पे पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, वो उनका मेन इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, जो बंदे ने टूर्नामेंट जीता वो उनका मेन अकाउंट नहीं है, उस मेन वो जो हैकर है ना, हैकर ने उसका फोटो लेके अपने पे अपलोड कर दिया और बोला कि भाई हम हैक के थ्रू उसको हुए हैं। अब एक बात को ध्यान रखना गाइज, गरीना का जो सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है, अगर वो डिटेक्ट में आए वो हैक ने हैक यूज़ किया तो वो बैन करेगी, पक्का बैन करेगी। आपकी मेन आईडी भी क्यों ना हो, हिप हॉप आईडी भी क्यों ना, वो बैन करेगी। लेकिन अगर आपको वो डिटेक्ट नहीं कर पाई तो आपको बैन नहीं करेगी। अच्छा वाला यूज़ कर रखा है आपने, ठीक है, वो भी पैसों वाला यूज़ कर रखा है। अगर आपने अच्छा वाला यूज़ कर रखा है, देखो मैंने कभी आज तक यूज़ नहीं किया, बट काफ़ी लोग हैं जो इस बात का नॉलेज रखते हैं अच्छा खासा, जो पेड़ वाला जो होता है, अगर पेड़ वाला डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो भाई काफ़ी लोग यूज़ कर ही रहे हैं, उनका भाई कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट उनकी भी होती है, ऐसा नहीं होती है, उनकी भी होती है, काफ़ी टाइम लगता है, बट उनकी भी एक टाइम आता है जब उनका ख़त्म हो जाता है ना वो, या फिर वो अपडेट आता, अपडेट के बाद उनकी आईडी बैन हो जाती है, हकीकत है, अपडेट के बाद ही फिर बैन होते हैं, क्योंकि उनके फिर काम नहीं करते हैं वो, और फिर अपडेट के बाद नया होता है तो वो बैन हो जाते हैं, ठीक है। बैन सब होंगे, जितने भी एक्यूज कर रहे हैं ना, परेशान होने की किसी को भी जरूरत नहीं है, सब बैन होंगे, टेंशन ना लो, पर टाइम लगता है, ठीक है, 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का टाइम लगता है वो बैन होते हैं। तो आप लोग ज्यादा परेशान मत हो, फ्री फायर को क्विट नहीं करना। आप लोग कहते हो भाई यार अब तो गेम खराब हो चुकी है, क्विट कर देते हैं, अरे भाई रुक जाओ यार, थम जाओ, गेम तुम्हारा है, ठीक है। बस जो इवेंट चल रहे हैं वो बकचोदी वाले चल रहे हैं, ठीक है, जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहे और हमें पसंद नहीं आ रहे हैं। वो जो हवाई जहाज आया पिक के, मतलब तुमने देखा होगा ना, वो उड़ रहे हैं उससे, ठीक है, वो उड़ रहे, वो हवाई जहाज जैसा आया है, तो गाइस वो कितना अच्छा है यार, तुम लोग उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो क्या दे दिया। अभी ये चीज़ बीच में दी होती ना तो लोग उड़ा उड़ा के मारते और मजे करते खेलते। काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई गेम बर्बाद हो गई, अबे हर बात तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव सोच, भाई तुम लोगों की सोच ना नेगेटिव हो गई है, उसको थोड़ा पॉजिटिव करो। तुम पहले बच्चे थे तो बच्चा तुम बार बार नहीं कह सकते मुझे बच्चा बनना, भाई बच्चे के दिन काफ़ी अच्छे हैं हमारे, ओल्ड डेज बहुत अच्छे हैं, पर वो अब वापस नहीं आने वाले। बट हाँ गेम के आ सकते हैं, पर थोड़ा समझो जो चीज़ गई है वो, अब नया चीज़ को थोड़ा इन्जॉय करो ना मेरे भाई। अब देखो हमारा फ्री फायर एक बार इंडिया आ गया ना, तो आए दिन इवेंट आएंगे हमारे, पर मंथ इवेंट आएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। और फ्री फायर इंडिया आएगा, क्योंकि वो देखो प्ले स्टोर में वो आएगा। अब देखो यार गरीना कुछ ना कुछ तो सोच रहा होगा ना, बड़ा प्लान कर रहा होगा, कब देना कब नहीं देना, पहले लूट लूँ मैं इंडिया वालों को, ठीक है, वो इसी प्लान में है कि पहले जितना। अब देखो डायमंड वाला जो आया था, कितनों को मिला कितनों को नहीं मिला, ठीक है, कितनों को क्या कह रहा हूँ मैं, 1-2 को मिला होगा और काफ़ी लोगों को मिला ही नहीं होगा। सब ने अपना डायमंड स्पेंड किया है, सब ने टॉपअप मारा होगा, जिसके पास डायमंड नहीं वो भी टॉपअप मार के स्पेंड कर रहा है डायमंड आती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर देखो मैं हैक के ऊपर भी एक बात बोल देता हूँ, अगर हैक तुम्हारी कितनी भी रेयर आईडी हो, 1 लाख 2 लाख लगे हो, तुम्हारी आईडी बैन पक्का हो गई, अगर डिटेक्ट हो गई तो।
अगर डिटेक्ट नहीं हो रहे तो तुम बैन नहीं होगे। हैकर के ऊपर तो मेरा ये है। चलो अब बात कर लेते हैं आगे, जो काफ़ी सारी टीम है और भी टीम है, तुमने देखा होगा जो बैन हुए उनको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छी टीम है जो ई स्पोर्ट वाली है, जो काफ़ी अच्छे खेलते हैं, वो हकदार थे, उनको मिलना चाहिए था जबकि उनको नहीं मिला। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे RNX जो टीम है ई स्पोर्ट वाली, काफ़ी अच्छी है, उनके लेवल भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो RNX e-sport 4 रैंक कर रही थी, ठीक है, टॉप 4 रैंक। अगर ये टॉप 3 रैंक पे आती तो इन सबको 10,000 डायमंड मिलते। इनके एक बार लेवल देख लो यार, अरमान का 77 लेवल गाइस, मतलब सबके ना 78 72 72 70 लेवल, सबके 70 अबव लेवल है, 70 अबव। काफी अच्छी टीम है और e-sport वाली, और इन्होंने खेला। दूसरी टीम को देख लेते हैं यहाँ पे, रिटायर्ड प्रो करके टॉप 5 रैंक कर, रिटायर प्रोज काफ़ी अच्छे, इनकी भी स्क्वाड, इनके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल है और टॉप 5 रैंक पर कर रहे हैं, ठीक है, टॉप 5 रैंक। एंड उसके बाद आते हैं पापा लोग, मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो पापा लोग अभी भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोग भी चलो ठीक है, जो भी है सही है। यहाँ लोग 6 रैंक पे ये कर रहे हैं, और अभी अब जैसी चेकिंग होगी ना, चेकिंग के बाद ये लोग कहाँ पे रैंक कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, अब चेकिंग के बाद। एंड गाइस चलो बात कर लेते हैं कितनी टीम डिस्क्वालीफाई हुई है इस चेकिंग के दौरान। यहाँ पे देखो मैं जो मेरी जो रैंक कर रहा हूँ मैं 2463, यानी 2463, ठीक है, 2463 पे मैं रैंक कर रहा हूँ। जब चेकिंग के बाद अब मैं कितनी पोजीशन पे आऊंगा तुम वो देखना, यानी कि उतने स्क्वाड बैन हो गए हैं। जब चेकिंग हो गई उसके बाद गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो कितने बार हूँ, 2451, यानी कि गाइस पूरे टोटल 12 स्क्वाड को डिस्क्वालीफाई किया गया है। मतलब जो भी टॉप के अंदर 1% के अंदर जो भी आ रही थी, जिसकी भी स्क्वाड थी टॉप 1% के अंदर, उसमें से 12 स्क्वाड को डिस्क्वालीफाई किया गया। सबसे ऊपर आपने देख लिया होगा EY क्विंग जो टॉप 1 में बैठा था उसको किया था। देन उसके बाद सर्वस्व आर्मी, जिसमें ग्रैंड मास्टर का भी प्लेयर था, तुमने देखा होगा, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। गाइस सर्वस्व आर्मी रैंक टॉप 5 पर रैंक कर रहा था, इसको भी एक बार चेक करके देखा होगा अगर आपने, तो ये भी डिस्क्वालीफाई हुआ है, जिंदा है अगर रखा था इसने तो, ठीक है। और काफ़ी सारे और भी स्क्वाड है जो बैन हुई है और डिस्क्वालीफाई हुई है, ठीक है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं टीम हिंड ESP की। भाई ये टीम ना काफी अच्छा खेली थी, इन टीम को यार मिलना चाहिए था, पूरी जी जान लगा दी थी उन्होंने, 20-20 किल निकाल लेते, मतलब एक बंदा 20 किल, जो कि इनका जो लीडर है भाई, मतलब 20 किल निकाल रहा बंदा, ठीक है, 10-15 20-15, मतलब कितना अच्छा खेल रहे थे, इनको तो यार मिलना चाहिए था, क्योंकि ये खुद ई स्पोर्ट प्लेयर, इनका चैनल पर अगर आप जाके देखोगे तो 3 साल से ई स्पोर्ट ही खेल रहे हैं और ई स्पोर्ट के ही प्लेयर है, ठीक है, काफी अच्छा टूर्नामेंट खेलते हैं ये लोग। तो ये तो यार हकदार थे, इनको तो मिलना चाहिए था। खुद अमित भाई ने भी इन पर रिएक्शन दिया कि यार हम लोगों को सिखाओ कि कैसे होता है। एंड जो टॉप 1, 2 और 3 में बैठे पड़े भाई, उनका ना कोई वीडियो और कैसा गेम प्ले है, बस उनके तो भाई एकदम तबाही, ठीक है, डिटेक्ट नहीं हुए वो एक अलग बात है, नहीं हुए पता नहीं, गरीना का सिस्टम को और थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर वो नहीं होगा तो भाई वो पेड वालों को पकड़ ही नहीं पाएगा, फ्री वालों को तो वो तुरंत बैन कर देता है, पर अगर उसने पेड वालों को पकड़ लिया तो बैन वो भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, बैन वो भी होंगे। हैकर भाई 4 दिन का ही होता है हैकर, और वो बैन जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग पेशेंस बनाए रखो बस। एंड गाइस बस इस वीडियो में यही मेरे को दिखाना था कि 12 स्क्वाड डिस्क्वालीफाई हुई है, और भी हुई होंगी जो कि टॉप 100 के अंदर आ रही होगी, जो टॉप 10% के अंदर आ रही होगी, जो सोन, ठीक है गाइस, मतलब हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं हो रहे हैं, किया है गरीन ने, इवो आइकोनिक को किया जो टॉप 1 में बैठा, उसको भी मिल सकता था, ऐसी बात नहीं, उसको भी मिल सकता था, बट उसको किया, उसकी टीम को पूरी डिस्क्वालीफाई कर दिया, कोई टॉप 1 पे नहीं दिख रहा है। टेलर सर्मी को मिला, तुमने उनका लेवल देखा होगा, पता नहीं वो पीसी है बाईपास यूज करना है, उन्होंने खुद मेरे को कमेंट आके किया था कि ब्रो हम पीसी में खेल रहे हैं, फोन में चले जाते हैं, मैच मेकिंग होते हैं, और भाई उन्होंने बस पेला, ठीक है, बाकी अगर नेक्स्ट टाइम अगर टूर्नामेंट होता है तो मैं तो नहीं खेलूंगा, ठीक है। और बाकी तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना नेक्स्ट टाइम अगर टूर्नामेंट होता है तो क्या तुम लोग खेलोगे, क्योंकि टूर्नामेंट खेलने का मतलब है भाई कुछ तुमको मिलने वाला नहीं है, और जो जिसको मिलेगा वो भैया पेड़ वालों को मिलेगा, जिन्होंने पेड़ लगा रखा है, ठीक है, पेड़ तुम समझ ही गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ, जिन्होंने पेड़ वाला लगा रखा है, पैसा वाला लगा रखा है, वो बच जाएंगे, वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर गरीना इसको स्ट्रांग करता अपने डिटेक्ट को तो करो यार, वरना भाई फिर नहीं खेलेगा, कोई नहीं खेलेगा भाई, सबका दिल टूट गया, जो बंदे जिनको मिलना चाहिए था, जो हकदार था उनको कुछ मिला ही नहीं, और जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको मिल रहा है। बस वीडियो में इतना करना था, बाकी लास्ट में एक बात और कहूँगा, भाई यार तुम गेम को लेकर थोड़ा ना, मतलब देखो काफ़ी बंदे हैं जो सिर्फ गेम खेलने आते हैं, उनको बस सिर्फ गेम खेलना होता है, उनको अच्छा लगता है, दोस्त यार होते हैं, मिलते हैं, गेम खेलते हैं और वो ऑफलाइन हो जाते हैं, उनको मतलब नहीं है कि गेम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देता है बंदा, पढ़ाई पर ध्यान देता है, तो तुम लोग भी थोड़ा ऐसे ही बन जाओ, ठीक है, ज़्यादा टॉपअप मत करो, जो कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं भाई ज़्यादा टॉपअप नहीं, तो आप लोग भी बस थोड़ा ही टॉपअप करो, मान लो ड्रॉप आ गया स्पेशल एयर ड्रॉप, आप लोग वो परचेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, भूया पास ले लो, ओके 800 के, पर ज़्यादा नहीं कि आप 800 1000 2000 डायमंड लगाया जा रहा हो, तो बस गेम को यार गेम की तरह लो, खेलो, बाकी फ्री फायर इंडिया का वेट करो, अगर फ्री फायर इंडिया आता है तो हमारे ओल्ड प्लेयर भी वापस आएंगे, काफ़ी सारे प्लेयर आ जाएंगे भाई, और अगर सर्वर कनेक्ट होता है, जैसे मान लो अगर नेपाल का अगर कनेक्ट हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
Take down. दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो